हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे भाई, हम करेंगे उन लोगों के लिए जो पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं एंड वो खरीद नहीं पाते और उनका डिसीजन जो है पुरानी गाड़ी को लेके कई बार गलत हो जाता है। जब वो उस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं, वो उनको इतना परेशान करती है कि वो भाई उनका पुरानी गाड़ियों से भरोसा ही उठ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ यही वाला करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 से 5 गाड़ियों का एक्सपीरियंस है पुरानी गाड़ियों का। उनमें से एक दो में जो है मेरे से भी गलती हुई थी और बाद में मुझे उससे सीख मिली, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी मददगार वीडियो होने वाली है आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें चेक करनी है एक गाड़ी के अंदर, जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो और आप एक गलत गाड़ी लेने से बच जाओ। क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि यार आपका पैसा जो है वेस्ट ना हो। तो चलिए भाई, अपनी होंडा सिटी के ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर। तो चलिए गाड़ी पे चलते हैं। ये आ गए हैं हम अपनी गाड़ी के आगे, और सबसे पहले अगर जब आप पुरानी गाड़ी ख़रीदने जाओ तो आप क्या चीज़ चेक करोगे, सबसे पहले इसकी डायमेंशन चेक करोगे। डायमेंशन का मतलब गाड़ी को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से चेक करोगे गाड़ी में क्या कमियां हैं। अब भाई ये वीडियो ना आपके लिए इस तरह से भी जो है काम की साबित होगी, जैसे कि आप जब किसी भी गाड़ी को ख़रीदने जाओगे ना तो पुरानी जो गाड़ी बेचने वाला है, जो उसका पहले वाला ओनर है, वो उस गाड़ी की एक कीमत मांगेगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितनी भी। अगर आप उसको गाड़ी को प्रॉपरली चेक कर लेते हो तो उसके अंदर कमियां निकाल लेते हो, उसके बाद आप अपने जो उसकी जो डिमांड है उसको भी कम कर सकते हो। तो इस लिहाज से भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब भाई मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको डायमेंशन के अंदर क्या चेक करना है। डायमेंशन में आप आगे से के पीछे तक गाड़ी को कम्प्लीटली चेक करोगे, कहीं पे कोई डेंट तो नहीं है, कोई हिस्सा पेंट तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना, पेंट भी इतनी अच्छी तरह से किया गया होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है, नॉर्मल आंखों से। मैं आपको बताऊंगा उस पेंट को कैसे चेक करें। अगर गाड़ी ओरिजिनल पेंट से अलग अगर पेंट होगी गाड़ी, तो एक झटके में आप पकड़ सकते हो उस पेंट को। बिल्कुल आसान तरीका है, चाहे कितनी भी प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को कर लिया जाए लेकिन वो पकड़ में आएगा ही आएगा। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर जो आपको पेंट चेक करना है, आप अपनी गाड़ी के यहां पे फ्रंट में आइए और यहां बैठ जाइए, ठीक है। आप इससे जो है ना अपनी इस दीवार को किसी चीज का सीधापन चेक करते हैं ना, इस तरीके से आपको चेक करना है। और जब आप गाड़ी को चेक करोगे तो आपको अन ईवन पेंट यहां से नजर आ जाएगा। अब जैसे आप मेरी होंडा सिटी में देख रहे होगे, पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल एक जैसा पेंट दिखाई देगा आपको आगे से पीछे तक। लेकिन अगर यही चीज़ कोई भी पैनल कोई भी पार्ट अगर पेंट होता तो वो अनइवन लगता, ऊपर नीचे लगता। पेंट एक हो सकता है, पेंट का कलर एक मैच कर सकते हैं पेंट करने वाले, लेकिन अनइवन सरफेस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये रोबोटिक आर्म से पेंट हुआ होता है, वो मैनुअली पेंट हुआ होता है, तो उसमें ज़रूर डिफरेंस आता है। ये चीज़ आपको आगे मतलब दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है चेक करना है। दूसरी चीज़ सबसे पहले जो आप गाड़ी के अंदर बैठने से पहले करोगे, आप गाड़ी के इंजन गाड़ी का जो बोनट है उसको ओपन करोगे। अब जैसे गाड़ी का बोनट ओपन करते ही, मैं थोड़ी देर हाथ में पकड़ लेता हूँ बोनट को, ठीक है। तो गाड़ी के बोनट को ओपन करते ही आप इसके जो ये जो आर्म्स होते हैं ना इंजन, आप जिन पे इंजन टिका होता है, ठीक है, आप इनको चेक करोगे। यहाँ पे कोई रबड़ वगैरह कटी तो नहीं हुई है, और साथ ही साथ गाड़ी इंजन के आगे पीछे और ऊपर नीचे, ठीक है, सभी जगह सीलन चेक करोगे गाड़ी के अंदर कहीं कोई सीलन तो नहीं है, ठीक है। और अगर वो सीलन है तो वो किस चीज़ की है आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं तो ऑयल थोड़ा सा बाहर गिर जाता है, हम उसको साफ़ नहीं करते, मैकेनिक उसको अच्छे से साफ़ नहीं करता है, ठीक है, और वहाँ पर वो सीलन बन जाती है। तो वो नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन वो इंजन को देखने में गंदा बनाती है, और मतलब देखने में ये लगता है कि यार कहीं इंजन में कोई काम तो नहीं हुआ है। इंजन माउंटिंग चेक करने के बाद आपको सीधा सीलन चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आर्म्स होती है ना, ये वाली आर्म्स, ये जो आर्म्स होती हैं, ये वाली जहाँ पे आगे का फ्रंट का जो बोनट है या जो फ्रंट का जो कवर है वो लगा होता है, उन चीज़ों को चेक करोगे। कभी भी जैसे देखो, जैसे ये वाला कोना है,
ठीक है, या ये वाला कोना है गाड़ी का, ठीक है। कईयों में यहाँ पे एक पार्ट अलग से भी लगाया होता है, जिस चीज़ के ऊपर, जिस बीम के ऊपर रेडिएटर लगा होता है, उस चीज़ को देख लेना। अब ये चीज़ मैं देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर हल्की फुल्की डैमेज होगी, बैंड होगी, तो इसका मतलब है भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि ये चीज़ें एक्सीडेंट में सबसे पहले डैमेज होती हैं, सबसे पहले डाउन होती हैं। मतलब आप अगर इन चीज़ों का एक्सीडेंट होगा ना, जैसे मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ फ्रंट से, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, और आप आसानी से पकड़ सकते हो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर आप चेक करोगे इसका ब्रेक ऑयल का लेवल, ठीक है, एंड फिर आप इसका चेक करोगे कूलेंट का लेवल, ठीक है। यहाँ पे जैसे कूलेंट यहाँ पे दिख रहा है, बोतल में भी देखना है, और आपको इसको ऊपर करके भी देखना है। कई बार क्या होता है कि हेड गैस्केट का काम हुआ होता है, तो आपको जो बोतल है कूलेंट की बोतल, उसके अंदर कीचड़ देखने को मिलेगा। अगर उसके अंदर कीचड़ है तो भाई उस गाड़ी को मत लेना 100%। अगर उसके अंदर गैस्केट डली है और सफाई अच्छे से नहीं हुई है, तो उसके अंदर कीचड़ ज़रूर बनेगा। वो क्यों बनता है, क्योंकि जब गाड़ी के इंजन के अंदर ऑयल और वाटर मिक्स हो जाता है, तो वो कीचड़ बन के यहाँ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो रेडिएटर को आप चेक करोगे, रेडिएटर में कोई सीलन तो नहीं है, रेडिएटर डैमेज तो नहीं है, ठीक है। फिर आप बैटरी टर्मिनल चेक करोगे, कोई मतलब इस बैटरी में ज़्यादा कार्बन तो नहीं है, क्योंकि बैटरी कई बार क्या होती है कि ख़राब होने ही वाली होती है, और जब भी आप गाड़ी ले लेते हो तो गाड़ी लेते ही वो ख़राब हो जाती है, तो आप सोचते हो यार लेते ही बैटरी का खर्चा आ गया। उससे आप पहले ही अंदाज़ा लगा लोगे कि आपकी गाड़ी में क्या खर्चा आने वाला है, ठीक है। फिर आप जो है गाड़ी को बंद करना, गाड़ी को स्टार्ट करके अभी नहीं देखना है, ठीक है, गाड़ी को बाद में स्टार्ट करके देखना है आपको, गाड़ी को स्टार्ट करके अभी नहीं देखना है, गाड़ी को बाद में स्टार्ट करके देखना है आपको। एंड उसके बाद जब आप जो चीज आप चेक करोगे वो करोगे डोर्स को ओपन करके, ठीक है, गाड़ी के अंदर जो है ना, गाड़ी के अंदर की आप सीलिंग चेक करोगे, ठीक है। अब जो गाड़ी के अंदर जो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़ें, ठीक है, ये एक रबड़ की पैकिंग लगी होती है डोर्स के यहाँ पे, और ये नई गाड़ी के अंदर लगी होती है। जब भी आप गाड़ी का कोई काम कराओगे ना, पेंट से रिलेटेड या कुछ भी इस तरह का काम अगर आप कराने लग गए, तो ये आपको हटी हुई मिलेगी। तो आप ये चीज़ आपको हर पैनल पे चेक करनी है, ये वाला डोर पे भी, को ड्राइवर डोर पे भी, एंड पीछे वाले डोर्स पे भी, डिग्गी पे भी, और बोनट पे भी। बोनट की मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ, बोनट की पैकिंग आपको कहाँ दिखेगी, ये देखो भाई बोनट की पैकिंग, ये देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये बोनट की पैकिंग है, ये पैकिंग हटी हुई मिलेगी। ये देखो ये जो पैकिंग दिख रही है ना, हाँ ये चीज़ हटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये हटी है, अगर बोनट से ये हटी है, तो बोनट रिपेयर्ड है। रिपेयरिंग में भी कई बार ये नहीं हटती है, अगर ये नहीं मिले ना आपको, तो समझ लेना बोनट चेंज ही है, ठीक है, आपका बोनट बदला हुआ है। तो बाहर से तो चीज़ें देखने का यही है भाई। एंड दूसरी चीज़, आप टायर्स पे आओगे तो टायर्स पे आपको देखना है कि अनइवन कट्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है, जब जो टायर है पूरा घिस जाता है ना, तो आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, एक स्कैम चल रहा है कि उसको ना दोबारा से, जैसे लाइंस है ना, उसको काट के दोबारा से वो लाइंस बना दी जाती हैं, और इंजन आपका बिल्कुल पहले से ही ख़त्म हो चुका होता है। तो इंजन को टायर बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका होता है, और उसको काट के ना दोबारा लाइंस बना दी जाती हैं। तो टायर को आपको प्रॉपरली चेक करना है, उसकी हाइट, उसकी एक ना एक मेजरमेंट गेज होता है, मेजरमेंट गेज अगर आप कैरी कर सको तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, जिससे कि आप ना ये चीज़ें चेक कर सकते हो, साइड वॉल और विड्थ उसकी चेक कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आपको इंजन का पता, सॉरी टायर का पता चल जाएगा कि टायर के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर आप गेट ओपन करोगे, गाड़ी के अंदर चलोगे, और अंदर चल के मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आ जाओ, तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है, मैं आपको बताता हूँ। इंजन यार एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, गर्मी बहुत है जी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी है भाई गाड़ी के अंदर, जैसे स्टार्ट करोगे तो कोई अनइवन आवाज़ तो नहीं है, गाड़ी नॉर्मल एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है कि नहीं है, आरपीएम जो है फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे और जो चीज़ आपको चेक करनी है, वो चीज़ चेक करनी है गाड़ी कितनी चली हुई है। कई बार क्या होता है ना, गाड़ी का मीटर जो है बैक करा देते हैं, गाड़ी के मीटर का अगर आपकी गाड़ी में अगर आपको डाउट है कि नहीं यार ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, तो उसका सिंपल
सिंपल सा तरीका ये होता है कि उसके पैडल्स को आप चेक कर लीजिए। पैडल्स अगर ज़्यादा घिसे हुए हैं तो गाड़ी कम से कम, मरी से मरी मैं बताऊँ, 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चली है उसके बाद ही ये पैडल्स घिसते हैं। अगर उससे कम शो कर रहा है तो भाई उसको बताना कि उल्लू किसी, उसको बता देना भाई कि उल्लू किसी और को बनाना, ठीक है, हमें नहीं। फिर जो बारी आती है, आप गाड़ी के हर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट को चेक करोगे, हर एक इलेक्ट्रिक पार्ट, जैसे कि आपको डोर्स के कंट्रोल्स हो गए, विंडोज़ के कंट्रोल्स हो गए, स्टेयरिंग कंट्रोल्स हो गए, ORVM कंट्रोल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल हो गया, आपको जो है फिर जो है आपका क्या बोलते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, AC के कंट्रोल्स हो गए, हर एक चीज़ आपका, जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट आपको जो भी कुछ दिखाई दे सब कुछ चेक करना है, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब बारी आती है मेन भाई, जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को आप कैसे चेक करें, क्योंकि स्टेयरिंग में भी जो स्टेयरिंग का खर्चा होता है भाई, गाड़ी का बहुत मोटा खर्चा होता है। अगर स्टेयरिंग में आपको दिक्कत मिलेगी तो भाई आपको काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस पर खड़ा करें और उस गाड़ी को हल्का हल्का सा चलाएं। अगर आपको कोई भी वाइब्रेशन स्टेयरिंग के अंदर फील हो रही है, जो स्टेयरिंग है टेढ़ा नजर आ रहा है या गाड़ी एक तरफ भाग रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अलाइनमेंट में और स्टेयरिंग में गड़बड़ है, आप उसको देख लेना। क्योंकि अगर एक तरफ भागना हुआ तो अलाइनमेंट आउट है, अगर अदरवाइज स्टेयरिंग से कोई नॉइस आ रही है, अनइवन नॉइस, स्टेयरिंग टेढ़ा चल रहा है, तो भाई स्टेयरिंग में दिक्कत है, गाड़ी को इग्नोर करना, गाड़ी को मत खरीदना। फिर आप चला के देखोगे भाई AC कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर आप चला के देखोगे हीटर हीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हीटर बहुत कम यूज होता है तो हीटर के अंदर जो है मड इकट्ठा हो जाता है और हीटिंग कोयल चोक हो जाती है, हीटर हीटिंग की कोयल काम नहीं करती। और अगर आपको हीटिंग कोयल की ज़रूरत है, ठीक है, तो भाई हीटिंग कोयल की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे भाई कहेंगे यार हीटिंग कोयल तो हम यूज़ ही नहीं करते, मतलब हीटर तो यूज़ ही नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हीटिंग कोयल चोक है तो कल को आपके इंजन के अंदर भी मोटा काम आ सकता है। हीटिंग कोयल चोक होने के काफ़ी सारे कारण हमें मतलब सुनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, गाड़ी के अंदर वो इंजन को ख़राब कर देती हैं, क्योंकि गाड़ी की हीटिंग कोयल के अंदर कचरा जमा हो जाता है और कचरा जो है धीरे धीरे फिर उस इंजन में है, इंजन का फिर वो चोक कर देता है, तो भाई इंजन का सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। तो भाई और फिर आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार फिर से बाहर चलते हैं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे ही आप बाहर आओगे तो नॉर्मली एक बार बिना बोनट उठाए आवाज़ सुनना गाड़ी की कि गाड़ी कैसी आवाज़ कर रही है। अगर आपको गाड़ी की आवाज़ में हल्का फुल्का भी डाउट लगे तो भाई एक बार बोनट उठाना, ठीक है, तो बोनट उठा के भी आपको देखना है कि इंजन में कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशन तो नहीं है, इंजन में कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं है। अब जैसे देखिए मेरी इंजन में बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन, कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, तो बिल्कुल मेरा जो इंजन है बिल्कुल ओके है। AC चलाने के बाद आप चेक करोगे भाई फैंस को कि फैंस अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जैसे देखिए मेरे जो हैं दोनों फैंस काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ये चीज़ें भी आपको चेक करनी है गाड़ी खरीदते समय, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भाई हो, लेकिन आपको काफ़ी काम आएगी। एंड देन आपको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो है मैंने अंदर क्या तो आपको बताए थे, फिर आपको जो है हेडलाइट्स वगैरह सारी चेक करनी है, ठीक है। हेडलाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, वो चीज़ें जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं, सारी चीज़ें आप चेक करोगे। इंडिकेटर आप दो जला के देखोगे, इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करनी है। सीट की जो कंडीशन है आप वो चेक करोगे, क्योंकि अगर देखो सीट के ऊपर तो आप कवर भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिस टाइम आप उस गाड़ी को खरीद रहे हो और अगर आपको सीट जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, देखो सीट के ऊपर कवर लग जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप अगर उसमें कमी पकड़ लेते हो तो आपके पैसे कम हो सकते हैं। अगर मान लो उसकी 1 लाख रुपए डिमांड है तो भाई आराम से उस पैसों को तोड़वा सकते हो आप, और कम पे आप अपनी डील को लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर जो है आपको भाई एक चीज चेक करनी है, आपको जो छत चेक करनी है, रूफ चेक करनी है गाड़ी की। रूफ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना कई बार क्या होता है गाड़ियों की रूफ काफी मैली होती है। मैली होने के कई कारण होते हैं, एक तो गाड़ी को शीशे खोल के चलाया जाए, अगर गाड़ी खोल के नहीं चलाते, शीशे खोल के नहीं चलाते तो छत मैली होने का कारण हो जाता है स्मोकिंग। अगर गाड़ी के अंदर जो वो ओनर है स्मोक करता होगा, स्मोकिंग करता होगा, तो आपकी गाड़ी मैली दिखेगी आपको।
क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग बिना शीशे खोले ही स्मोक करते हैं और वो धुआं जो है इस छत पे जाके जम जाता है, तो भाई ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत जो है आप क्रिएट कर सकता है, आपको ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ सकती है। फिर जो है आप गाड़ी का फ्लोर चेक करोगे, फ्लोर के अंदर कोई सीलन तो नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं है, कोई इस तरह के कोई टुकड़े तो नहीं है कि जैसे चूहा काट देता है इस तरह के, तो भाई ये चीज़ें भी आप चेक करोगे। और ये चीज़ें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ चेक करनी है, ठीक है। एंड जब जैसे ये सारी चीज़ें आप अंदर और बाहर दोनों जगह कर लोगे, तो भाई उसके बाद आपको आना है बैक साइड में गाड़ी की। बैक साइड में भी आप यहाँ से इसकी जो है फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ चेक करोगे, कहीं कोई सीलन कोई दिक्कत तो नहीं है, और पीछे की सीट की कंडीशन भी आप चेक करोगे। हाँ, और एक चीज़ और मैं भूल गया भाई, सीट बेल्ट्स को भी ज़रूर चेक करना है। कई बार क्या होता है, सीट बेल्ट की जो पुल्ली होती है, जो मोटर होती है, वो ख़राब हो जाती है, सीट बेल्ट अपने आप अंदर नहीं जाती, तो उस केस में भी आप अपनी गाड़ी की कीमत को घटा सकते हो उसको बोल के, ठीक है। सब कुछ चेक हो गया, अंदर से इलेक्ट्रिकल चेक हो गया, फिजिकल बाहर से चेक हो गया, सब कुछ चेक हो गया गाड़ी के अंदर, ए टू जेड चीज़ें आपको जो गाड़ी है पसंद आ रही है, उसके बाद फिर आप खोलोगे भाई डिग्गी, ठीक है। अगर चाहे हैचबैक हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, भाई डिग्गी ओपन करना है और सीधे पहुंचना है आपको जहाँ पे आपकी स्टेपनी रखी होती है, वहाँ पे स्टेपनी का एरिया चेक करोगे, वहाँ पे पानी तो नहीं है, सीलन तो नहीं है, जंग तो नहीं है, क्योंकि इस जगह पे बहुत जल्दी पानी इकट्ठा होता है और जंग भी काफ़ी जल्दी लगता है, तो ये चीज़ें भी आप जो है चेक करोगे अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ आप अपनी गाड़ी की जो है चेकिंग कर सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग कर सकते हो, गाड़ी को भगा के देखना, गाड़ी को चला के देखना, गाड़ी को रेव करके देखना, आपको हल्का फुल्का आइडिया, अगर आपको छोटी सी भी जानकारी है गाड़ी की, तो रेविंग करते टाइम ही आपको अगर इंजन में कुछ फॉल्ट होगा तो आप पकड़ लोगे उसको, तो आपको उसकी कमी जो है महसूस हो जाएगी। बाकी जो है और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। कई बार क्या होता है, आपको देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक नहीं होता है। आप अपनी गाड़ी के शीशों के नंबर चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो गाड़ी के शीशे का एक नंबर है, ठीक है, 43R01378, ठीक है। ये जो है ना, ये नंबर हर आपको शीशे पर चेक करना है, ठीक है, हर शीशे का सेम मिलेगा या अगले दो शीशों का सेम मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो हैचबैक्स गाड़ी होती है उसके अंदर आपको चारों शीशे का सेम नंबर मिलेगा, और कुछ गाड़ियां जैसे मेरी होंडा सिटी है, तो अगले दो शीशे अलग मिलेंगे, पिछले दो शीशे अलग मिलेंगे, यानी कि पीछे के दोनों शीशों का नंबर एक ही होगा और फ्रंट के दोनों शीशों का नंबर एक ही होगा। वैसे ही जो है आपको जो अपनी विंडशील्ड है उसके शीशे का नंबर भी आपको चेक करना है, ये देखिए भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन होंडा के होने चाहिए, अगर इनका नंबर चेंज है, ठीक है, तो समझ लेना भाई गाड़ी में शीशा आपका टूटा है कभी ना कभी ज़रूर, ठीक है। हर शीशे का आप नंबर चेक कर लेना, देखिए जैसे यहाँ पे 1264 है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेम है 1264, ठीक है, यहाँ पे 2801, ठीक है। तो ये अलग अलग शीशों के नंबर होते हैं भाई, और ये जो है ये देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो ये देखो 1264, ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, लेकिन ये देखो 1264 लिखा हुआ है, दिख रहा ना, ये 1264 है, ये 1264 है, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। और इधर का जो नंबर है 1844 हो गया, ठीक है, इधर का 1378 हो गया। अब यही सेम चीज़ें उधर चेक करेंगे, तो ये देखिए इसका था 1378 हो गया, इसका था 1264, इसका 1264 हो गया ना, ये शीशे बिल्कुल सेम है मतलब, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको चेक करनी है भाई गाड़ी खरीदते समय, और मैं क्या बताऊँ, ORVMs को देख लेना भाई प्रॉपरली जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं अंदर से ही। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ी नहीं है गाड़ी के रिगार्डिंग। अगर गाड़ी में कोई भी मेरे से टॉपिक छूट गया हो तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने गाड़ी का A to Z जो है पार्ट कवर कर लिया है,
अगर ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे तो भाई आप एक गलत गाड़ी खरीदने से बच सकते हो, आप आपका आपके पैसे जो हैं भाई सही जगह लगे। बस मेरा यही मोटिव होता है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका जो पैसा है भाई वेस्ट हो, गलत गाड़ी पे लगे। आप जो भी गाड़ी खरीदें, अच्छी गाड़ी खरीदें, सेफ़ गाड़ी खरीदें, ठीक है, और जो है अपने आपके हिसाब से जो है आपका मेहनत का जो पैसा है वो सही जगह लगे, बस यही है, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।